Agilus Diagnostics. Diagnostics. आप मेरे से बेहतर जानते हैं जयंत चौधरी क्यों गए यार जयंत चौधरी छोटी पार्टी के नेता थे आप उन पर सवाल उठाते नीतीश कुमार क्यों गए जिस रास्ते से नीतीश कुमार गए उसी रास्ते से चौधरी के जयंत चौधरी जी ने ये चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी से उनके सिंबल पर जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव जी कहा था मैं उनसे बात करूँ अच्छा एक बात अब आप सच की बात कर रहे हैं एक और तस्वीर बहुत चर्चा में रही दरअसल एक पेड़ था जिसके पास फोटो खिंचाई गई पहले अखिलेश और जयंत चौधरी की फ़ोटो खींची और घोषणा हुई कि सीट बढ़ गया है फिर उसके थोड़ी देर बाद आपकी पंकज मलिक की और अखिलेश यादव की फोटो उसी पेड़ के नीचे खींची गई और ये कहा गया कि मुजफ्फरनगर से हरिंद मलिक लड़ेंगे और उसके बाद जयंत चौधरी ने गठबंधन तोड़ लिया हालांकि समय लगा उन्होंने घोषणा की लेकिन माना यह गया कि आप बड़ी वजह रहे जैन चौधरी नहीं जा रहे थे कि हरिंद मलिक मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े ऐसी बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं थी जयंत चौधरी जी ने ये चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी से लड़ उनके सिंबल पर लड़ूँ जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव जी को कहा था मैं उनसे बात करूंगा मैं मुझे संदेश आया और आप जानते हैं शहजाद अख्तर जो उनका वो देखता है मामला उसने मुझे संदेश दिया कभी एक दिन वो पहले वो भी आप जैसा ही था मुझे नलनी सिंह से उसने मिलवा था आंखों देखी में तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाओ मैं गया फिर इनकी बात हुई इन्होंने कहा कि नहीं चलिए हरेंद्र मलिक की कोई लड़ाई है हमें कोई एतराज नहीं परंतु एक बार उनसे बात करूंगा अपने घर पर उन्होंने कहा लखनऊ में है वो बात कर लो कि नहीं अपने घर पर करूंगा और उन्होंने मुझे अपने वादे के मुताबिक घर पर बुलाया पहले दिन उनके उनके लोगों ने मेरे से बात की मेरठ में साढ़े तीन घंटा फिर डेढ़ दो घंटे उनके घर पर बात हुई बहुत अच्छी बात हुई और वो सहमत थे बात के लिए कोई दिक्कत नहीं थी आप मेरे से बेहतर जानते हैं जयंत चौधरी क्यों गए यार जैन चौधरी छोटी पार्टी के नेता थे आप उन पर सवाल उठाते नीतीश कुमार क्यों गए जिस रास्ते से नीतीश कुमार गए उसी रास्ते से जैन चौधरी गए क्यों मेरे से क्यों कह पाते हो तो मेरा मैं कोई वजह नहीं थी और उन्होंने मेरे से कहा यह तो इससे भी साबित है अगर मेरा टिकट वजह होता तो आदरणीय जैन चौधरी जी फिर मुजफ्फरनगर क्यों नहीं ली मुजफ्फरनगर से तो अभी तो भाजपा ही लड़ी और चरण सिंह वादी मेरे साथ रहे हैं आप देखिए मैं दो असेंबली सेगमेंट में ज्यादा वोटों से जीता हूँ और जो मेरी लीड के कारण पांच असेंबली सेगमेंट है मुजफ्फरनगर सिटी में मैं 801 वोट पीछे रहा खतौली में 3400 वोट पीछे रहा लगभग और इसमें सरधना में कुल फोर्टी सेवन वोट सैंतालीस वोट आगे रहा पर बुढ़ाना में जहां चरण सिंह वादी ज़्यादा तादाद में रहते हैं मैं अट्ठारह हजार से ज़्यादा वोट से जीता और चरथावल में जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार का गृह क्षेत्र था उसमें तेरह हजार आठ सौ इकसठ या इक्कीस वोट से जीता वोट परसेंटेज ये बता रहा है कि चरण सिंह वादी मेरे साथ रही हैं। यार मैं खुद चरण सिंह वादी इन्होंने तो चरण सिंह की फोटो देखी है चरण सिंह देखे भी नहीं कभी और आज भी चरण सिंह वादी हमारे साथ हैं माइनॉरिटी ने जम के वोट किया कमेरों ने हमने चुनाव में ये प्रयास किया कि चुनाव पार्टियों में ना हो चुनाव संजीव बनाम हरिंदर मलिक रहे और चुनाव को हमने कमेरे बनाम लुटेरे बना दिया कमेरों की अगवाई हम कर रहे थे और कमेरों ने भरपूर साथ दिया आपको अच्छा लगेगा जान करके हमारे नई मंडी क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक भी मुस्लिम वोट नहीं वहाँ भी लोग बताते हैं कि मुझे चौंतीस सौ या कुछ कितने वोट मिले तीन हजार के आसपास कम मिले या फालतू पर हजारों में वोट मिले गांधी कॉलोनी में वोट मिले वो भी ऐसा ही है शहर के हर मोहल्ले में वोट मिले और कहीं ये फर्जी वोट नहीं वोटिंग नहीं कर पाए 2019 के चुनाव में जहाँ बयासी परसेंट पोल था अब की बार वहाँ पचपन बावन परसेंट था क्योंकि क्षेत्रीय लोग मेरे साथ थे इसीलिए था नहीं आप बात क्षेत्रीय लोगों की कर रहे हैं और जैन चौधरी की भी बात की प्रचार करने आए थे जैन चौधरी एक साथ संजीव बालियान और जैन चौधरी एक साथ नजर आए प्रचार करते हुए और उन्होंने ये कहा संजीव बालियान ने कहा कि पिछली बार अजीत चौधरी जो अब नहीं है इस दुनिया में वो बड़े कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे बोले कि एक नंबर दो नंबर साथ में है जो लगातार हार रहा है वो क्या ही जीतेगा तो क्या ऐसा हुआ कि दोनों पार्टी यानी कि आर और बीजेपी साथ रही उसके बाद भी हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए नेता ही तो साथ थे जनता तो मेरी साथ थी बीजेपी का वोटर मेरी साथ था और इसका वोटर मेरी साथ था और देखिए मैं आपको बताऊं मैं अठहत्तर से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और सेवेंटी फोर में हमारे मामा श्री के चुनाव में हमने जाना शुरू कर दिया था अठहत्तर से तो मैं मुजफ्फरनगर में अगर राजनीतिक लोगों की गणना होती थी छात्र नेता के रूप में तो मेरा नाम नेताओं में सबसे ऊपर लिया जाता था जो आदमी छालीस सैतालीस साल से गांव में घूम रहा और ना तो मेरी एक पैसे की संपत्ति बढ़ी हमने तो कुछ बेची और मैं चार बार एमएलए रह लिया एमपी रह लिया प्रदेश का अध्यक्ष रह लिया हाउस में चीफ विफ रह लिया उसके बावजूद भी हम प्रॉपर्टी तो बढ़ा नहीं पाए हम लोग तो संबंध ही बढ़ा पाए तो राजनीति में सबके बड़े बड़े उद्देश्य हैं जिसका उद्देश्य संपत्ति कमाना है वो संपत्ति कमाता है जिसका उद्देश्य संबंध कमाना है वो संबंध कमाता है और मेरे साथ एक गोड गिफ्ट भी है अगर आप तीन दिन मेरे साथ रह लो तो आप मुझे छोड़ नहीं पाओगे ये गोड गिफ्ट है मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो राजनीतिक हैसियत है वो जनता की अमानत है उसके मालिक हम नहीं है उसके मालिक जनता है और अगर मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा तो निश्चित रूप से आप भी मेरे सुख दुख में साथ खड़े होंगे और ये तो राजनीति तो में नबज पकड़ना है और रही हार जीत की बात ना कोई हार के बहुत कमजोर हो जाता ना जीत के बहुत सिकंदर हो जाता ये तो जनता है जनता को जनार्दन कहा अब की बार मुझे आशीर्वाद दे दिया पहले किसी दूसरे को आशीर्वाद दिया था सवाल यह है कि उनके आशीर्वाद को आप संभाल कर कैसे रखोगे और हमारी जीत पर किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए देख तो हमारे खिलाफ कोई राजनीतिक आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा था बिकॉज मैं भाजपा कैंडिडेट को राजनीतिक नहीं मानता और दूसरी स्थिति यह आप देखो ना लगातार हम कभी जनता ने रिजेक्ट नहीं किए 96 का मैं चुनाव हार गया 2002 लड़ा नहीं 2004 में पंकज को उतना वोट दे दिया जितना जीते हुए एमएलए को भी नहीं मिला सात में जीता बारह में जीता अब बाईस में जीता तो ऐसी स्थिति में हम कभी सियासत से बाहर नहीं रहे और हम तो जिला पंचायत भी जीते तो हम हम तो सारे चुनाव लड़ लिए अभी भी हमारा बड़े भाई हैं प्रमुख साहब उनका बेटा चेयरमैन था गन्ने का अभी भी तो हम लोग तो जीना यहाँ मरना यहाँ यहाँ के सिवाप जाना कहाँ तो राजनीति में ही है